हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस। माय नेम इज नवीन यादव और आज है 19th of January। चलिए डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी थोड़ा डिले हो चुका है आज। चलिए सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। बोलते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि आपका जो भी कोई भी मोटिवेशन है या कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी आपका यानी कि कोई भी एम है, तो उसके लिए आपके अंदर डिजायर होनी बहुत जरूरी है। डिजायर यानी कि एक भूख, एक कुछ करने की एक जो इच्छा शक्ति होती है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। कोई भी देखिए, कुछ भी आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कब क्यों स्टार्ट करते हैं, जब आप डिजायर है। डिजायर सबसे बड़ी पावर है इस दुनिया की, याद रखिए इस चीज की। सब किस कोई भी डिजायर हो आपकी, पैसा कमाने की, किसी से आपको बदला लेना है या कुछ अचीव करना है, कुछ भी चीजें करनी है, सब चीजों के पीछे डिजायर होती है। डिजायर सबसे बड़ी पावर है, इस बात को याद रख लीजिए। आप सोचिए कि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरी डिजायर है कि मैं आपको जो है नॉलेज दे सकूं, साथ में कुछ खुद भी कुछ चीजें सीख सकूं। आपकी डिजायर है कि आप जो है नॉलेज लेके कुछ अचीव कर सकें, तो हर चीज डिजायर से चलती है, हर काम डिजायर से होता है। कुछ भी देखिए, एक कंट्री दूसरे के ऊपर अटैक करती है तो उसकी कुछ डिजायर होती है, ठीक है। तो हर चीज डिजायर से, और डिजायर सबसे पावरफुल चीज है इस दुनिया में, याद रखिए इस चीज को। इस डिजायर से पावरफुल कोई नहीं है। तो आपकी डिजायर अगर किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जाग गई तो एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है, डिजायर से तो बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो सिर्फ आपको जो अपनी डिजायर है उसको बड़ा रखना है, उसको जो है जगाते रहना है। अगर वो 1% आपकी डिजायर जो आपका कुछ अचीव करना चाहते हैं वो डिजायर कम भी हो रही है, तो आपको कहीं भी जो है किसी भी तरह मोटिवेशन लेके उस डिजायर को जगाना है और आपको जो अचीव करना है उसकी तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, चार क्वेश्चन कल पूछे थे, उसका आंसर बता देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि विच कंट्री हैज लॉन्च, कौन सी कंट्री ने फेयर वैल्यू फॉर इनोवेशन जो है लॉन्च किया है, तो आंसर इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सेकंड था कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम कहां पे लॉन्च किया गया, यानी कि सबसे ज्यादा अभी जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम, उसके लिए जो पूरी प्लानिंग हुई है या लॉन्च हुआ है वो कहां पे हुआ है, किस स्टेट में हुआ है, तो आंसर है इसका केरला। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं जो कल पूछा था कि कौन सा ऐसा स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है या यूनियन टेरिटरी है जिसने डिसाइड किया है कि 1 मार्च 2019 से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा, तो इसका आंसर है पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैंने आपसे पूछा था कि सबसे पहला जो फर्स्ट एवर जो ग्लोबल एविएशन समिट हुई है वो कहाँ पे हुई है, उसका वेन्यू क्या था, तो आंसर है इसका मुंबई। आज के चार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द फार्म डेब्ट वेवर स्कीम। देखिए जो आपके फार्मर्स होते हैं उनकी जो कर्ज होता है उसको माफी के लिए कौन सी गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है, जय किसान ऋण मुक्ति योजना, ठीक है। जय किसान ऋण मुक्ति, ऋण मींस डेब्ट, ठीक है, उसको मुक्ति यानी कि वेवर, ये योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने चलाई है। चार ऑप्शन है आपके पास, एमपी, उड़ीसा, झारखंड या पंजाब। सेकेंड है त्रिशा गैस प्रोजेक्ट, तृष्णा गैस प्रोजेक्ट, ठीक है, तृष्णा जो गैस प्रोजेक्ट है वो अभी न्यूज में था, तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो चार ऑप्शन नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और असम, तृष्णा गैस प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, इम्बेक्स 2018-19 ये स्टार्ट हुई है इंडिया और किस कंट्री के बीच में, जो ये एक्सरसाइज है इम्बेक्स 2018, तो इंडिया और दूसरी कंट्री कौन सी है, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशियस या इंडोनेशिया। सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है आपके लिए, तीन क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी, विच कंट्री हैज टेकन ओवर द चेयर ऑफ ग्रुप ऑफ 77। देखिए जी 77 जो है उसमें 2019 में कौन इसकी चेयरमैनशिप का जो है चेयरमैनशिप करेगा, कौन सा कंट्री, ये आपको बताना है। बुरुंडी है, चाइना है, इजिप्ट है या पैलेस्तीन है, ठीक है। चार, ये चार क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। देखिए आप आंसर दीजिए क्योंकि उसका बहुत बेनिफिट होता है। चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं। देखिए ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ठीक है। इसको हम लोकपाल से रिगार्डिंग कल भी हमने देखा था, लोकपाल का जो कैसे सिलेक्शन कमेटी और जो आपकी सर्च कमेटी उसके जो इश्यूज थे वो हमने देखे थे, इसको आज हम डिटेल में देखेंगे। और इसके अलावा राज्यसभा का डिबेट जो कल हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर भी लोकपाल वाला जो ये इशू है इसको दोबारा से, यानी कि तीन चार टॉपिक इसके डिस्कस हो जाएंगे, उसके बाद शायद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि पूरा इशू है क्या। ये क्वेश्चन, ये आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे, चाइना की जो ग्रोथ है वो काफी कम हो रही है, उसके क्या क्या कारण है,
कैसे इसका क्या लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट चाइनीज गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि चाइना का पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि चाइना का रेफरेंस हम देते हैं बहुत से आंसर्स में, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए सेडिशन से रिगार्डिंग है, आपको पता है जो कुछ लोगों ने जैसे एंटी इंडिया जो है नारे लगाए थे, स्लोगन लगाए थे जेएनयू के अंदर, उनके खिलाफ केस हुआ और अभी नई चार्जशीट जो है दाखिल की गई है उसी से रिगार्डिंग है। तो पूरा आर्टिकल देखिए, एक फ्रांस की कुछ फ्रांस के अंदर ऐसा हुआ था 1968 के आसपास, तो वहाँ का पूरा रेफरेंस दिया हुआ है। फिर इंडिया का लेके आते हैं कि इस तरह के जो लॉर्ड मैकॉले जो सेडिशन का चार्ज लेके आए थे, देशद्रोह का एक तरह से जो चार्ज लगाया जाता था वो अभी इनके ऊपर लगाया जा रहा है, तो ये बोल रहे हैं इतना नहीं करना चाहिए। वही सब है कि डेमोक्रेसी में सबको जो है अधिकार होने चाहिए अपने व्यूज रखने के, लेकिन इतना बड़ा चार्ज नहीं लगाना चाहिए। ये सब इशू है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि एग्जाम परस्पेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। ये आर्टिकल आपका कोलिजियम सिस्टम का जो भी इशू है उसको जो है क्लियर कर देगा। कल भी हमने देखा था कोलिजियम सिस्टम, आज भी देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स पुराने लिए गए हैं तो वो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। ये सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। हुआ क्या है आपको पता है, एलटीटी का जो केस आपको पता है, ठीक है, जो लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम था, यानी कि ये चाहते थे कि तमिल जो है एक तरह से अलग देश बन जाए और ये श्रीलंका से अलग हो जाए, ये सब इनकी डिमांड थी, ये अपनी गवर्नमेंट चलाते थे और राजपक्षा गवर्नमेंट को आपको पता है कि इनको जो है पूरा खत्म कर दिया गया, यानी कि एलटीटी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे हमारे यहाँ नक्सल्स है उस तरह वहां पे ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको पूरा खत्म कर दिया गया। तो उसी से रिगार्डिंग बहुत लोगों को देखिए, जो तमिल लोग थे उनको मारा गया और उनका जो है अभी उनकी हड्डियां या उनके जो दांत है या फिर ये सब चीजें मिल रही हैं, यानी कि नीचे दबा दी गई थी, अभी मिल रही है। और ये एट्रोसिटीज किसने की थी, वहां की जो आर्मी है, तो ये अभी जो मिल रही है उसी से रिगार्डिंग पूरे इशू है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं लोकपाल एक्ट के बारे में। देखिए पहले आपको दो चीज पता होनी चाहिए, मैंने कल भी बताया था, एक होती है सर्च कमेटी, एक होती है सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। सर्च कमेटी में क्या होता है, सर्च कमेटी कुछ नाम देती है सिलेक्शन कमेटी को और सिलेक्शन कमेटी उसके बाद डिसाइड करेगी कि हाँ कौन जो है लोकपाल का हेड होगा, कौन लोकपाल के अंदर कौन कौन मेंबर्स होंगे, यानी कि यहां से कुछ लोगों का नाम शॉर्टलिस्ट होता है वो यहां जाता है। लेकिन हुआ क्या, 2013 में जो है लोकपाल एक्ट 2013 जो फाइनली 1 जनवरी 2014 को प्रेसिडेंट ने उसको मंजूरी दे दी थी, उसके बाद भी सोचिए आप 2014 14 15 16 17 18 यानी कि 5 साल चले गए, लेकिन जो ये सर्च कमेटी है यही नहीं बनाई गवर्नमेंट ने। यानी कि देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर लोकपाल बन जाएगा, लोकायुक्त बन जाएगा, लोकपाल जो बन जाएगा, लोकपाल है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और लोकायुक्त होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो लोकपाल अगर बन जाएगा तो नॉर्मल सी बात है कि उस वो जो है अपना जो काम करेगा उसका जो है पूरा जो गवर्नमेंट के अंदर कोई भी बड़े बड़े जो सेक्रेटरीज हैं या गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनके खिलाफ भी जो करप्शन के केसेस होंगे वो खुल सकते हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिटिकल विल नहीं है, तो इन्होंने सर्च कमेटी ही बनाने में 5 साल लगा दिए, अभी तो सिलेक्शन कमेटी के पास जाएगा। तो इसी के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि आप जल्द से जल्द जो है सिलेक्शन कमेटी को जो है उसके नाम जो है वो रिकमेंड कीजिए, सॉरी सर्च कमेटी द्वारा जो है नाम रिकमेंड कीजिए सिलेक्शन कमेटी को, ताकि जो है सिलेक्शन कमेटी नाम डिसाइड करके लोकपाल को बना सके प्रॉपरली। अब पूरा इश्यू एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको, हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए गवर्नमेंट को दोबारा से बोला कि कोई प्रोग्रेस हो नहीं रही है, जो एंटी ग्राफ्ट इंस्टीट्यूशन है इसका जो है कह रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ये काम कर रहा है, जबकि काम किसका होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम होना चाहिए लोकपाल बनाने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की जो है विल नहीं है इसको पास करने की या इसको जो है प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की। ये कहते हैं देखिए कोर्ट ने बोला है कि जो 8 मेंबर जो सर्च कमेटी है, सर्च कमेटी और सिलेक्शन कमेटी याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, तो ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला कि जो 8 मेंबर की सर्च कमेटी है उनको जल्द से जल्द की नाम जो है पैनल को दिए जाए, सिलेक्शन कमेटी को नाम दिए जाए, और ये कब तक देने हैं आपको, फरवरी एंड तक, यानी कि फरवरी एंड तक आपको बताना है कौन कौन से मेंबर है जिनमें से लोकपाल का चेयरमैन चुना जा सकता है, लोकपाल के और मेंबर चुने जा सकते हैं। ये कहते हैं करीबन 5 साल लग गए, 2013 में ये एक्ट पास हुआ था, 1 जनवरी को जो है प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट भी दे दिया था, फिर भी देखिए कोई भी सेलेक्ट सर्च कमेटी नहीं बनाएगी, उसके अलग अलग जो है एक्सक्यूज दिए गए, मैं बताऊंगा क्या क्या एक्सक्यूज दिए गए। लेकिन क्या हुआ, कॉमन कोज जो एनजीओ है उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली और उन्होंने बोला कि देखिए ये जो लोकपाल है पास हो गया लेकिन अभी तक जो है सर्च कमेटी ही नहीं बनाई गई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट थोड़ा हरकत में आया और अप्रैल 2017 में इन्होंने बोला कि जल्द से जल्द जो है सर्च कमेटी बनाइए। देखिए ये बात मानते हैं, आर्टिकल भी ये बात बोलता है कि सर्च कमेटी बनाना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि इसके अंदर काफी जो कंपोजिशन है वो बहुत ही
यानी कि अलग अलग फील्ड से ली गई है। जैसे कि एंटी करप्शन पॉलिसी को कोई ऐसा इंसान है जो अच्छे से जो जानता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी नॉलेज है, लॉ की नॉलेज है, बैंकिंग की नॉलेज है, इंश्योरेंस की नॉलेज है। इसके अलावा कहते हैं आधे जो मेंबर होंगे इसके वो वीमेन्स होंगी, बैकवर्ड क्लास से होंगे, माइनॉरिटी से होंगे, SC ST से होंगे। ये कह रहे इतनी ज़्यादा चीज़ें देख के ही किसी मेंबर को सर्च कमेटी में डालना ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन हाँ ये नहीं है कि गवर्नमेंट चाहे तो इसको फास्ट नहीं कर सकती, लेकिन गवर्नमेंट खुद ही जो पूरा प्रोसेस है इसको एक्सपेडाइट नहीं करना चाह रही। ये कहते हैं सर्च कमेटी का तो इवन देखिए इतना बुरा हाल है कि उसको जो है प्रॉपर ऑफिस का स्पेस भी नहीं मिल पा रहा, मैन पावर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, खुद का सेक्रेटेरिएट भी नहीं है इनका, और गवर्नमेंट ने देखिए इस चीज को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो इसके ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ने 17 में भी कोर्ट को जो है काफी लताड़ा था कि आप ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, जल्द से जल्द जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराइए। और काफी यानी कि बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें एक्टिवनेस दिखा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल, गवर्नमेंट की कोई विल नहीं है। जो पॉलिटिक्स है वो यही है कि इसको जो है जितना डिले किया जा सकता है कर सकते हैं। अब देखिए सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी आपको पता होना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके अलावा लोकसभा की स्पीकर होती हैं, उसके बाद लीडर ऑफ ओपोजिशन, ठीक है, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये लोग जो है प्लस एक एमिनेंट जूरिस्ट, ये लोग जो है 5 मेंबर है इसके सिलेक्शन कमेटी के होंगे। यानी कि सर्च कमेटी जब नाम देगी सिलेक्शन कमेटी को कि सपोज कीजिए 10 लोगों का नाम दिया, अभी चेयरमैन चुनना है, तो ये 5 लोग चुनेंगे, PM, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ ओपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एमिनेंट जूरिस्ट। ये 5 लोग चुनेंगे कि हाँ कौन जो है मेंबर होगा, कौन चेयरमैन होगा। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए जैसे ही सिलेक्शन कमेटी का काम आ जाएगा, यानी कि सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है ये पहले इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। इसके साथ साथ कहते हैं कि देखिए मीटिंग्स को भी बहुत ज्यादा स्किप किया जाता है। अभी रिसेंट क्या हुआ है कि जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है, यानी कि खड़गे जी जो है आपको पता है कांग्रेस के लीडर हैं ये, और ये लीडर ऑफ ओपोजिशन भी है, लेकिन गवर्नमेंट ने देखिए किया क्या, पहले क्या था कि आपको पता है लीडर ऑफ ओपोजिशन बनने के लिए, ठीक है, LOP जिसको बोलते हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन बनने के लिए क्या करना होता है, 10% सीट्स आपकी होनी चाहिए जो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा की पूरी सीटें हैं करीबन 552, ठीक है, लेकिन इसमें 545 ही जो है फिल की जाती है। तो 552 होने के बाद यानी कि करीबन 55 सीटें तो होनी चाहिए, 10% सीटें होनी चाहिए अगर आपको लीडर ऑफ ओपोजिशन बनना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो कांग्रेस की सीटें थी वो 45 के आसपास आई, तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जो लीडर ऑफ ओपोजिशन का जो है टैग उनको मिल सके, और इसी के ऊपर जो है काफी इनको साइडलाइन किया गया कांग्रेस गवर्नमेंट को, बीजेपी द्वारा, कि जो है कोई भी लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं है तो हम सर्च कमेटी कैसे बनाए, सर्च कमेटी नहीं बनेगी, सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो है सॉरी सिलेक्शन कमेटी में लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं है तो कैसे जो है पूरा प्रोसेस आगे बढ़े। तो इसके बाद कोर्ट ने काफी देखिए लताड़ा था, कोर्ट ने बोला था कि देखिए आप ये चीज नहीं कर सकते, कोई भी जो मेंबर है जिसकी सबसे ज्यादा वोट्स हैं, जो पार्टी पावर में है उसके अलावा जिसकी सबसे ज्यादा वोट से वही लीडर ऑफ ओपोजिशन होगा। इवन जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है उन्होंने भी ये बात दोहराई थी कि देखिए आप लीडर ऑफ ओपोजिशन के ना होने से या उसकी वैकेंसी होने पे आप ये नहीं कर सकते किसी भी जो है बड़ी पोस्ट का आप जो है अपॉइंटमेंट ना करें। जैसे कि CBI डायरेक्टर पे इश्यूज आए थे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो कमीशन है जो उसके ऊपर कमिश्नर जो है उसको भी अपॉइंट नहीं किया, क्योंकि दोनों में ही लीडर ऑफ ओपोजिशन की जो है जरूरत पड़ती है और लीडर ऑफ ओपोजिशन कोई था नहीं। तो ये कहते फाइनल की देखिए पूरी जो है पॉलिटिकल विल की कमी है और कुछ नहीं है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं चाहती, यानी कि गवर्नमेंट ही नहीं चाहती है कि जो लोकपाल है वो प्रॉपरली फंक्शन करे, क्योंकि लोकपाल अगर प्रॉपर फंक्शन करेगा तो प्रॉब्लम्स किसको आएंगी, जो हायर पोस्ट पे बैठे हैं उनको। सेकेंड आर्टिकल है चाइना की ग्रोथ से रिगार्डिंग। आपको पता है चाइना की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है 1970s के बाद जो है, चाइना की 1970s या 60s तक तो इंडिया और चाइना बराबर थे, लेकिन बाद में जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना तेजी से ग्रो किया और जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो इतना अच्छे से काम की, ठीक है, तो चाइना बहुत तेजी से ग्रो किया और आज जो है सेकंड, ये बोल सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यानी कि फर्स्ट लार्जेस्ट, यानी कि फर्स्ट कौन, फर्स्ट पे कौन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है, चाइना। और इसका जो है पूरा कारण यही है कि इन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए पूरी इकोनॉमी को जो है प्रॉपरली तरीके से इन्होंने जो है रिफॉर्म लेके आए, तो वो सब रिफॉर्म की हम पहले भी बात कर चुके हैं क्या क्या रिफॉर्म लेके आए थे। जैसे देखिए इंडिया जो है 1990s के बाद सर्विस सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रो किया, ठीक है, इस तरह ही जो है चाइना 70s से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ग्रो किया और बहुत सस्ते सस्ते प्रोडक्ट, इसलिए काफी जो है ताने भी मारते हैं लोग कि जो है चाइना का प्रोडक्ट है इनकी खराब होगा, लेकिन देखिए वो टाइम चला गया है। चाइना के जो आज के प्रोडक्ट्स हैं वो काफी उनमें साइंटिफिक या ये बोल सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है और काफी जो है उसकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो गई है, पुराने वाला टाइम नहीं रहा है। लेकिन इस
आर्टिकल में बताते हैं कि देखिए चाइना का जो ग्रोथ यानी कि ग्रोथ का जो रथ था, ठीक है, यानी कि जिस रथ पे चल रहे थे वो बहुत स्लो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें दिसंबर की, तो एक्सपोर्ट जो है वो 4.4% से गिरावट देखने को मिली है। और इसका एक और कारण भी बोल सकते हैं, पिछले कुछ सालों में, एक दो सालों में जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ जो इनकी ट्रेड टेंशन चल रही है, और रिसेंट तो आपको पता है पूरा ट्रेड वॉर ही चल रहा है इनका, तो इसके कारण जो है इनका एक्सपोर्ट बहुत कम हुआ है चाइना का, और इसका जो इकोनॉमिक पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन भी देखने को मिल रहा है। ये बताते हैं चाइना ऑलरेडी देखिए यूएस के साथ सरप्लस है उनका, यानी कि 333 बिलियन ज्यादा इन्होंने एक्सपोर्ट किया है, किससे, यूएस से। यानी कि यूएस ने अगर 100 रुपए किए हैं तो इन्होंने 423 रुपए किए हैं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इतना ज्यादा सरप्लस है एक्सपोर्ट के अंदर, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा है। तो इसका देखिए चाइना के एक्सपोर्ट के ऊपर, अब चाइना का चीजें एक्सपोर्ट नहीं हो रही है यूएस के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर आपको पता है टैरिफ वगैरह बढ़ा दिया गया है, तो अब एक्सपोर्ट के ऊपर जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही थी उनको कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, आप ये चीज समझ सकते हैं। कार की सेल है वो भी 2018 की बात करें तो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई है, 1990 के बाद इतना ड्रॉप कभी नहीं हुआ कि कार जो है चाइना के अंदर जो कार बनती थी उनकी डिमांड कम हो गई है, लेकिन चाइना की जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड जो है काफी कम हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि चाइना को सोचना पड़ रहा है कि कैसे इस चाइना जो ग्रोथ है इसको आगे बढ़ाया जाए। ये कह रहे हैं फियर तो और भी बढ़ रहा है, चाइनीज गवर्नमेंट ने देखिए अपना टारगेट रखा था ग्रोथ टारगेट 6.5%, लेकिन ये कह रहे हैं इसको भी घटा के शायद चाइनीज गवर्नमेंट और कम कर सकती है 6%, यानी कि चाइनीज गवर्नमेंट को भी नजर आ गया है कि उनकी जो है इकोनॉमी काफी कुछ यानी कि खस्ता हालत में है। ये कहते हैं पूरे वर्ल्ड की मार्केट की बात करें तो चाइनीज इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, इंडिया भी डिपेंडेंट है, इवन जो और कंट्रीज है वो भी चाइना की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए चाइना की इकोनॉमी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉक मार्केट पे भी इसका बहुत इशू यानी कि बहुत ज्यादा इसका असर पड़ा है, वर्स्ट परफॉर्मर रहा है स्टॉक मार्केट। इसके अलावा एप्पल, जगुआर और लैंड रोवर्स वगैरह, जगुआर लैंड रोवर्स वगैरह या और जो कंपनीज है उनको भी नजर आ गया है कि उनकी अर्निंग्स धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि चाइना के अंदर डिमांड कम हो रही है और डिमांड के कारण सेल भी कम हो रही है ऐसे जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं उनकी। ये कहते हैं जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी जैसे हमारे आरबीआई है उनके वहां पे है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, तो वो भी जो है कोशिश कर रहा है ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है इकोनॉमी में डाला जाए ताकि जो एक तरह से डिमांड है उसको बढ़ाया जा सके। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं वहां पे भी उन्होंने करके करीबन 83 बिलियन डॉलर जो है कैश को इंजेक्ट किया है बैंकों के अंदर ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ बनी रहे, लेकिन ये कह रहे हैं इन चीजों से काम नहीं चलेगा। ये काम आप पहले भी करते आ रहे, चाइना हमेशा से क्या किया है, पहले जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है उन्होंने क्या किया, चाइना ने किया क्या, देखिए सस्ते लोन्स वगैरह दिए, सस्ते लोन से क्या है इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करी, लोगों के पास पैसा आया तो जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि सिर्फ आप पैसा इंजेक्ट करके सिस्टम में सिस्टम को प्रॉपर नहीं बना सकते हैं, जो आपकी डोमेस्टिक डिमांड है या कंजप्शन है उसको आप कैसे बढ़ाएंगे ये बहुत जरूरी है। आप जो है चीप एक्सपोर्ट करते थे, चीप एक्सपोर्ट पे आपके काफी कुछ रोक लग गई है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट आप कर रहे थे वो आपका प्रॉपर क्योंकि हो नहीं रहा है, इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन एक्सपोर्ट होगा नहीं तो उसका बेनिफिट क्या है, आपकी कंजम्पशन लेवल भी कम हो रहा है यानी कि डिमांड भी कम हो रही है। तो ये बोल रहे कि चाइनीज बैंक को क्या है, आप चाइनीज बैंक ने जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे उनमें भी ऐसा किया था, बहुत ज्यादा पैसा जो है बाहर निकाला था, बैंकों को दिया था, बैंकों से पैसा लोगों के पास आया था, तो डिमांड जो है बढ़ गई थी, चाइना का ज्यादा यानी कि प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ये कह रहे हैं अब वो टाइम नहीं रहा है, आपको जो है कंजम्पशन लेड ग्रोथ लेके ही आनी पड़ेगी कि लोग कंज्यूम करें चीजों को, लोग डिमांड करें, जब तक आपकी लोकल डोमेस्टिक डिमांड नहीं होगी कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो ग्रोथ है वो तेजी से बढ़ती रहे। ये कह रहे हैं वो टाइम चला गया, आप जो है सस्ता लोन जो दे रहे हैं, चीप क्रेडिट दे रहे हैं, ये जो है देने से रियल एस्टेट को आप बूस्ट तो कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए और जो पहले भी आपने किया, लेकिन जरूरी नहीं है इससे जो आगे बढ़ेगा क्योंकि ये बस्ट जो है पूरा फट भी सकता है। यानी कि देखिए पूरा जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे लेमन ब्रदर के 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे वो ऐसे ही थे, चीप जो है पैसा मिलने लगा था, पैसा एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा, लेकिन जो है उसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं हो रही थी और उसके कारण रियल एस्टेट एकदम डूब गया था और बैंक डूब गए थे क्योंकि बैंक को जिन लोगों को पैसा दे दिया था वो लोग पैसा देने की हालत में नहीं थे। तो ये कह रहे हैं चाइना में भी ऐसा ही हो रहा है और ये जो कि ये बोल रहे हैं कि ये चीज ठीक नहीं है। चाइना को करना क्या चाहिए, जो अनइकोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स है, जो ऐसे प्रोजेक्ट जिनके फायदा नहीं होने वाला है उन प्रोजेक्ट्स को बंद कर देना चाहिए यानी कि लिक्विडेट कर देना चाहिए उनको, अभी टाइम है, आप इनको बार बार चीप क्रेडिट देते रहेंगे, सस्ता क्रेडिट देते रहेंगे लेकिन इससे फायदा नहीं होगा क्योंकि फाइनली जो अनइकोनॉमिकल प्रोजेक्ट है वो इकोनॉमिकल बन ही नहीं सकता, उसके चांसेस बहुत कम है। तो ये कह रहे हैं चाइना को देखिए ये चीज समझनी पड़ेगी।
और ये बात बिल्कुल समझनी, ये समझनी तो पड़ेगी, चीप क्रेडिट दे रहे हैं, साथ साथ में ये चीज सोचनी पड़ेगी जो आप लोन दे रहे हैं वो लोग जब डिफॉल्ट हो जाएंगे तो आप कैसे उस जो है लॉस से आगे उभरेंगे। फाइनली कहते हैं कि और चीजें जो है लॉन्ग टर्म हेल्थ की बात करें चाइनीज इकोनॉमी की, तो वो ये इन चीजों पर डिपेंड करती है। आप जो है और इश्यूज जो है बाद में देख लीजिए, पहले आपकी इकोनॉमी का जो इशू है उसको बहुत जरूरी संभालना है, क्योंकि आपकी चाइनीज इकोनॉमी का असर सिर्फ पूरे चाइना चाइना में नहीं, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका असर पड़ता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल था चाइना की इकोनॉमी के बारे में, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, कहीं भी आप रेफरेंस दे सकते हैं। ये आर्टिकल है देखिए कोलिजियम सिस्टम, मैंने कल भी बताया था कोलिजियम सिस्टम में होता क्या है कि जज ही जो है डिसाइड करते हैं कि कौन जो है जज नया जज होगा, और उसकी सिर्फ अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो है फाइनल जो प्रोसेस है कि कौन जज जो है अपॉइंट होना चाहिए ये डिसाइड जज ही करते हैं, और इसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो है ये पूरा काम करते हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि अभी इस कोलिजियम सिस्टम पे फिर से उंगलियां उठी है, कल भी हमने आर्टिकल देखा था। अब हुआ क्या है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने दो जो जूनियर जजेस थे उनको प्रमोट कर दिया, यानी कि पहले देखिए पूरा प्रोसेस क्या चलता था कि जो सीनियर है वो अपॉइंट होगा, यानी कि सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा, सीनियर जो कोई भी जज होगा उसको ही प्रमोट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जूनियर जजेस को प्रमोट किया जा रहा है, सीनियर को साइडलाइन कर दिया जा रहा है। तो ये पूरा इशू बताते हैं कि देखिए अगर कोलिजियम सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, इस पूरे आर्टिकल में बताना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कोलिजियम सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो इसका फायदा गवर्नमेंट उठा सकती है, और ये चीज दिखा सकते हैं कि आप जो है काफी गलत सिस्टम है ये आपका, इसको चेंज करने की जरूरत है। अगर कोलिजियम सिस्टम चेंज होता है और गवर्नमेंट का भी इसमें यानी कि पावर आ जाती है, गवर्नमेंट भी डिसाइड करेगी कि कौन जो है कौन से जजेस को प्रमोट करना है, कौन किस जजेस को कहां पे ट्रांसफर करना है, अगर ये पावर गवर्नमेंट के पास आ गई तो ये कहते हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है वो काफी कुछ खत्म हो जाएगी। ये आर्टिकल पूरा यही समझाने की कोशिश कर रहा है। ये कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंस है, इम्पार्शियलिटी है या फियरलेसनेस है, ये सिर्फ जजेस के लिए नहीं है, ये प्राइवेट किसी के अधिकार नहीं है, ये जजेस के अधिकार नहीं, ये सिटीजन के अधिकार है। और कोई भी किसी भी देश की जो जुडिशरी है वो अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है उसका सारा जो है श्रेय जाता है लोगों का, लोग कितना कॉन्फिडेंस कर रहे हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हमारी जुडिशरी है हमें न्याय मिलेगा, तभी जो है कोई जुडिशरी लेजिटिमेट हो सकती है, उसकी लेजिटिमेसी को माना जा सकता है। लेकिन कह रहे हैं रिसेंट जो कॉन्ट्रोवर्सी आई, दो जूनियर जजेस को प्रमोट कर दिया गया, ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कहते कि संजीव खन्ना जो जजेस हैं, जो जस्टिस है जिनको प्रमोट किया गया है, या दिनेश महेश्वरी, ये कंपिटेंट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं बोल रहे कि इनके ये जो है प्रमोट नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये कह रहे हैं इस तरह की कंट्रोवर्सी जो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, ये गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये चीज दिखाती है, गवर्नमेंट इसमें अपने आप को दिखा सकती है कि देखिए आपका ये सिस्टम गलत है, इसके अंदर चेंजेस लाने हैं, और अगर ये चेंजेस आ गए तो हो सकता है कि जो इंडिपेंडेंस है सुप्रीम कोर्ट की वो धीरे धीरे क्रेडिबल जो है खत्म हो जाए। ये कह रहे हैं इस तरह के जो हाईएस्ट कोर्ट्स में ये जो डाउट्स क्रिएट होते हैं तो ये गवर्नमेंट इसका फायदा उठा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमेशा ऐसा ही किया है। देखिए जब गवर्नमेंट पावरफुल होती है, जैसे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, अभी मोदी गवर्नमेंट है, तो ये जो पावरफुल गवर्नमेंट्स होती हैं ये इस चीज का फायदा उठा सकती है और जो है नया सिस्टम इंड्यूस कर सकती है। ये पूरा आर्टिकल ही यही है, डेंजर ऑफ रेसिप्रोसिटी, यानी कि कभी ऐसा होता है जब वीक गवर्नमेंट होती है तो उसका फायदा जुडिशरी उठाती है, जैसे कि केशवानंद भारती का केसेस थे या और केसेस थे, तो उसमें जो पूरा यानी कि बेसिक डॉक्ट्रिन का फंडा लेके आया, आपको पता ही होगा ये चीजें अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो, या 1990s में जुडिशरी जो है गवर्नमेंट वीक हो गई थी, जुडिशरी बहुत स्ट्रांग हो गई थी, तो गवर्नमेंट क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम लेके आ गया। तो इसी तरह बोल रहे हैं कि हो सकता है आप भी कोलिजियम सिस्टम को जो है प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, इसमें कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है, और इसका बेनिफिट गवर्नमेंट उठा सकती है, और हो सकता है कि आपकी जो इंडिपेंडेंस है उस पर भी खतरा आ जाए। किसकी इंडिपेंडेंस? सुप्रीम कोर्ट की। ये कुछ एग्जांपल देते हैं और कंट्रोवर्सीज ये बताते हैं। ये केएम जोसेफ का केस हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। देखिए क्या हुआ था, उत्तराखंड के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था, मोदी गवर्नमेंट ने रूल लगाया, इसके ऊपर जो केएम जोसेफ के पास केस गया, केएम जोसेफ ने जो है प्रेसिडेंट रूल को खारिज कर दिया, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नाराज होगी जज से, ये जो जस्टिस थे इनसे, हाई कोर्ट के जस्टिस थे उत्तराखंड के, तो इनके ऊपर जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, जब इनको प्रमोट करने की बात हुई कि इनको जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, प्रमोट करने की बात हुई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके नाम पे कोई यानी कि एक्शन नहीं लिया, इनको अपॉइंट नहीं किया। अब अपॉइंटमेंट जो है एक बार गई, वापस दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो है भेजा। देखिए अपॉइंटमेंट डिले होती है तो होता क्या है, सपोज कीजिए आज कोई जज अपॉइंट होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर,
और वो जज आज हुआ तो जो है उसकी सीनियोरिटी आज से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर वो जज 3 महीने बाद होगा, क्योंकि एक एक महीने एक एक दिन की वैल्यू होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि आज यानी कि आपको पता है काफी लास्ट स्टेज जो होती है 2-3 साल ही मिलते हैं सबको सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 2-3 साल मैक्सिमम, किसी को 5 साल मिल गए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहता है। तो जो आपकी जितनी सीनियोरिटी होगी उसी हिसाब से आप हो सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो के एम जोसेफ को ऐसे ही अटकाया गया, के एम जोसेफ को जो है अप्रैल के अंदर भेजा गया लेकिन इनको प्रमोट नहीं किया, बाद में जो है अगस्त में ये चीज इनकी अपॉइंटमेंट हुई। तो 3-4 जजेज जो है इनके आगे हो गए जिनको अपॉइंट पहले ही गवर्नमेंट ने कर दिया था। तो फाइनली ये कहते हैं, इसके अलावा और केसेस बताते हैं, ये कहते हैं एएन रॉय का केस बताते हैं, ये कह रहे हैं कि इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1973 में बनाया गया, क्योंकि और 3 जजेज जो थे जो इनसे सीनियर थे उनको जो है नेग्लेक्ट कर दिया गया, एएन राय को जो है चीफ जस्टिस बनाया गया, इसके अलावा एमएच बैग जो बैग थे जस्टिस इनको भी जो है चीफ जस्टिस बनाया गया, इनको भी जो है जो इनसे सीनियर थे उनके उनके अगेंस्ट जाते हुए इनको चीफ जस्टिस बनाया गया। तो इन्होंने किया क्या, देखिए 1970 की बात करें जो बैंक का नेशनलाइजेशन होना था तो 10 जजेज इसके अगेंस्ट थे लेकिन जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस राय वो गवर्नमेंट के साथ खड़े थे क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको चीफ जस्टिस बनाया था। तो आप चीजें समझ आ रही है, गवर्नमेंट ने फेवर किया जज को तो जज फेवर कर रहा है गवर्नमेंट को, ये बोल रहे हैं कि ये चीज जो नेक्सस है ये खराब है, जो जजेज है उनको प्रॉपरली इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। इसके अलावा जस्टिस बैग का बताते हैं, जब इंदिरा गांधी के इलेक्शन का टाइम था, आपको पता है इंदिरा गांधी का इलेक्शन जो है पूरा रद्द कर दिया गया था, तो इस टाइम जस्टिस बैग ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था, ठीक है, उन्होंने बोला था डेमोक्रेसी तो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोवर्शियल चीज हो गई। तो आप ये चीज समझिए, गवर्नमेंट अगर हेल्प कर रही है तो उसका जो है जजेज भी हेल्प करने लग जाते हैं गवर्नमेंट को, अगर ऐसा होता है तो उसका बहुत ज्यादा लॉस होता है हमारी डेमोक्रेसी को, क्योंकि हम जजेज जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इसके अलावा बताते हैं, देखिए गवर्नमेंट एनजैक लेके आई थी जिसको बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें गवर्नमेंट चाहती थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं हाई कोर्ट या इनके जो जजेज हैं इनको अपॉइंटमेंट करने में गवर्नमेंट का भी रोल होना चाहिए, लेकिन ये पूरा जो है मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, इन्होंने कहा कि हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो इससे खतरे में आती है, यानी कि हमारी जो हमें जो स्वतंत्रता दी है सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने वो खतरे में आती है, आप हो सकता है अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट करेंगे तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये बताते हैं, अगर हम बात करें यूएस के साथ कंपेरिजन करें तो यूएस में क्या होता है, प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है, तो जो भी जजेज होते हैं या तो डेमोक्रेट को फेवर करते हैं या रिपब्लिकन्स को फेवर करते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है, पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होती है, कि पॉलिटिक्स के हिसाब से जजेस अपॉइंट नहीं होते क्योंकि जजेस का पूरी जो लिस्ट होती है वो सुप्रीम कोर्ट ही भेजता है। हाँ, फाइनल अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती है, अपॉइंटमेंट डिले कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन ये नहीं है अपॉइंटमेंट को मना करे, डिले करेगी तो दोबारा जब नाम आएगा तो उसको अप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन ये फाइनली एक बात पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या जो है गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस को हम बिल्कुल हटा सकते हैं जजेस के अपॉइंटमेंट में, ये कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल बहुत रेयर है या इम्पॉसिबल ही है ये चीज़, ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर वीक होती है, अब रेसिप्रोसिटी की ये बात करते हैं कि जब गवर्नमेंट वीक होती है तो उसका फायदा जुडिशरी उठा लेती है, जैसे कोलिजियम सिस्टम आया 1993 में आया था, उस समय बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत वीक थी, बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रही थी 1990 और 1998 या 2000 के आसपास, 1998 में जो है बीजेपी आ गई थी, तो उस टाइम जो है काफ़ी कोलिजियम सिस्टम था उसका कि कोलिजियम सिस्टम को असर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि हम ही जो है अपॉइंट करेंगे क्योंकि जो ये सिस्टम है यही होना चाहिए और इसी के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी इंडिपेंडेंस को बचाया जा सकता है। फाइनली कहते थे कि पावर और जो इन्फ्लुएंस है ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सोसाइटी के, इन्फ्लुएंस आपकी तभी होगी जब आप पावरफुल होंगे, जैसे नाम देते इंदिरा गांधी जी बहुत पावरफुल थी, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है पावरफुल है, पावरफुल के साथ साथ इन्फ्लुएंशियल भी बहुत ज़्यादा है, तो इसका फायदा हो सकता है कि अगर कोलिजियम सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो इसका फायदा गवर्नमेंट उठा सकती है और हो सकता है एनजेक को भी पास करा ले। ये कह रहे हैं कि केशवानंद भारती, देखिए आज तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी है यहाँ पे केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और इसमें 1973 में केस हुआ था और इसमें यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है वो चलती रहनी चाहिए और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनको जो है चेंज नहीं कर सकती कोई भी गवर्नमेंट, उनके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती।
और देखिए क्वेश्चन कौन बने करोड़पति में भी आया था कि सबसे बड़ी बेंच जो है आज तक कब बैठी, केशवानंद भारती में ही बैठी है, ठीक है, ये याद रखिए इस चीज को आप। तो ये कहते हैं कॉलिजियम सिस्टम पे इस तरह के जो है आरोप नहीं लगने चाहिए, इनके ऊपर प्रेशर बन जाएगा अदरवाइज, और इसका फायदा गवर्नमेंट उठा लेगी। तो जजेज ये बोल रहे हैं जजेज को जो है इस तरह की चीजों से अलग रहना चाहिए, सिस्टम जो है उसमें फेयरनेस रखनी चाहिए कॉलिजियम सिस्टम में, क्योंकि हम जजेज को लॉर्ड लॉर्ड यानी कि एक भगवान कह के एक तरह से पुकारते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी और को फेवर करे और वो जस्टिस प्रॉपर ना दे पाए, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था, शायद आपको पूरा समझ आ गया होगा। इसके अलावा ये छोटा सा आर्टिकल है कि जो राजस्थान का स्टेट बर्ड है, देखिए ये देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसकी जो 90% अभी बोल रहे हैं कि सिर्फ 50 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही पूरे बचे हैं, और इसका जो कोई एक्शन प्लान नहीं है इनको बचाने का। ये कह रहे हैं गवर्नमेंट ने देखिए ब्रीडिंग सेंटर्स भी बनाए, कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स भी बनाए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने का, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। और देखिए पूरे वर्ल्ड के 95% ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडिया के अंदर ही है, यानी कि 50-55 ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं, और इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होती जा रही है। तो इसको बचाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में मोस्टली, और ये स्टेट बर्ड भी है राजस्थान का, और जो है एक तरह से इसकी जो क्रिटिकलिटी है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है, यानी कि बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आ गया, तो इसको प्रिजर्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सब चीजें तो फालतू ही हैं, आप ज्यादा उसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं शाम को, और बीच में कोशिश करूंगा मैं कुछ वीडियोस आपके लिए, आज सैटरडे है छुट्टी है तो आपको कोशिश करूंगा कुछ वीडियोस देने की, राइट। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।